और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। मोदी भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 7:15 बजे पहुंचे ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर। क्वींसलैंड के प्रीमियर केवल न्यूमैन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी हैं और 10 दिवसीय अपने विदेश दौरे पर गए हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी भी वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें आप ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी गए, वहां पर उन्होंने जायजा लिया, वहां की जो शिक्षा प्रणाली है उसको देखा। 3 दिन का ये दौरा है ऑस्ट्रेलिया का है। ये ब्रिस्बेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। सुबह वो 7:15 बजे वहां पर पहुंचे थे। तो वहीं क्वींसलैंड के प्रीमियर केम्बल न्यूमैन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण पर पहुंच गए हैं और ये दूसरा चरण ऑस्ट्रेलिया में जाकर हुआ है। 3 दिवसीय ये दौरा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी का ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। यहां से उनका काफिला होटल के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री अपने 5 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने में बसे भारतीयों को उनके भाषण स्थल यानी कि सिडनी तक लाने के लिए एक खास ट्रेन भी चलाई गई है, जिसका नाम मोदी एक्सप्रेस रखा गया है। मोदी की यात्रा से वहां बसे भारतीय खासे उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि उनकी यात्रा से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।